स्वागत है आपका द हिमालयन स्टेट यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी, आज आपके सामने हम डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और जो कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वह सबसे पहले जो डिस्टेंस एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आप उसको देखें, क्योंकि उसमें यह बताया गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है। और उसमें आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने बताया है उसमें इंट्रोडक्शन में, इसलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि यह है वीडियो का सेकंड पार्ट है। और इसके बाद आपको वीडियो और प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि नंबर 3 वीडियो आपकी आएगी इसके बाद, इसलिए आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग। और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत कर रहे हैं आपकी हम, यानी कि दूरस्थ शिक्षा का सेकंड पार्ट। इसमें हम समझेंगे कि भारत में डिस्टेंस एजुकेशन की एक तरीके से हिस्ट्री क्या है, यानी कि सीधे सीधे मतलब हम बता देते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भारत में दूरस्थ शिक्षा का इतिहास, इसका मतलब ये है। तो ये जो आपकी वीडियो है, ये इसी पर आधारित है आपकी। और लास्ट में हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से वीडियो प्रोवाइड कराए जाएँ, क्योंकि ये जो हमने वीडियो बनाया आपके लिए, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आया था। किसी एक कैंडिडेट ने डिमांड की थी कि सर हमें आप जो हैं दूरस्थ शिक्षा का एक वीडियो बनाइए, इसलिए हमने आपको ये वीडियो बनाकर तैयार किया है। और इसके बाद पार्ट 3 आएगा आपका वीडियो का, उसे आप ज़रूर देखें आप लोग। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव शिक्षा जगत में तीव्र गति से दिखाई देने लगा है, यानी कि विज्ञान तकनीकी का प्रभाव शिक्षा में बहुत बहुत एक तरीके से तीव्र गति से दिखाई देने लगा है। शिक्षा का प्रचार प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में शिक्षित होना चाहता है, लेकिन सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए सभी को अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और यह है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमारे मूल अधिकार में भी दे रखा है, और मूल कर्तव्य में भी दे रखा है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेख है, यानी कि आपका मौलिक अधिकार 21 अनुच्छेद में आपका ये उल्लेख है, और नीति निर्देशक तत्वों में आपका उल्लेख है, यानी कि आपका 45 अनुच्छेद में 45 में, और आपको बताएं। और यही आपका जो मूल कर्तव्य है, यानी कि मूल कर्तव्य 11 जो जोड़ा गया था आपका 2002 में, इसमें भी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन की, इसका मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा से लोग वंचित हैं, उनके क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब वो कैसे हो सकती है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर सैटेलाइट की मदद से उन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, जिन क्षेत्रों में आज भी शिक्षा से लोग वंचित हैं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का एक मूल अधिकार आपका उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। तो आज हम आपकी शुरुआत कर रहे हैं इसमें, भारत में दूरस्थ शिक्षा का इतिहास। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करना ना भूलें आप, क्योंकि यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए, ताकि आप अपने एक तरीके से समस्या का समाधान कर सकें YouTube पर वीडियो देखकर। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लोग कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं, तभी आपको अगला नोटिफिकेशन हमारा मिल पाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं आपके टॉपिक की, भारत में दूरस्थ शिक्षा का इतिहास। आज आपका टॉपिक ये है, सेकेंड वीडियो आपकी ये। तो इसमें हमने आपके सामने देखी विश्वविद्यालय के नाम लिखे हैं, कॉलेजों के नाम लिखे हैं, जहाँ पर दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की गई थी। तो देखते हैं नंबर 1, इसमें आपका 1956 से 1960, यानी कि 1956 से 1960 के दशक में
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सबसे पहली बार यानी कि दूरस्थ शिक्षा की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि भारत में भी दूरस्थ शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसका मतलब भारत में डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत जो की गई थी वह आपकी 1956 से और 60 में किसने सिफारिश की थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की थी। और आपको बता दें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी नींव जो है 1953 में रखी गई थी, लेकिन इसका पूर्ण रूप से दर्जा 1956 में मिला था, ये आप ध्यान रखना। और इसी के माध्यम से विश्वविद्यालयों कॉलेजों का संचालन किया जाता है। इसके लिए आप लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यूजीसी वाली प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखें, यूजीसी की पूरी वीडियो हमने बना के डाली हुई है। तो इसमें आते हैं हम नंबर दो पे। 1962 दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई थी। 1962 में भारत में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से की गई थी। इसके बाद 1970 में पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास एवं प्रसार किया गया था, यानी कि 1970 में पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास एवं प्रसार किया गया था। इसके बाद 1980 में सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालयों प्रणाली लागू की थी, यानी कि सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली लागू कब की थी? एक तरीके से यहाँ पे चालू शुरुआत की गई थी, चालू का मतलब यहाँ पे शुरुआत करने से है, तो 1980 में की गई थी। इसके बाद 1982, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आ चुका है आपका कॉम्पिटिशन में भी। 1982 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन पेपर में ये पूछा जाता है ये है कहाँ पर, जहाँ पे मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था, ये है आपका हैदराबाद में, ये आप ध्यान रखना हैदराबाद में लगता है आपका ये, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? हैदराबाद में, और किस सन में? 1982 में की गई थी। इसके बाद है 1985, वेरी मोस्ट मेन क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार आ चुका है कॉम्पिटिशन में, यानी कि 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं यानी कि आपका इग्नू, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? इग्नू के नाम से हम जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की नींव कहाँ पर रखी गई थी? दिल्ली में रखी गई थी, ये ध्यान रखना आप, ये दिल्ली में इसकी नींव रखी गई थी। इसके बाद 1987 कई राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए थे, यानी कि भारत के अधिकांश राज्यों में विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी? 1987 से शुरू हुई थी। इसके बाद है आपका 1989 राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1991 इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद, यानी कि इग्नू किसका नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को शॉर्ट में कहते हैं इग्नू। इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद यानी कि DEC की स्थापना की गई थी, कब? 1991 में। इसके बाद 1994 में यानी कि 1994 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। इसके बाद है 2013 में, ये ध्यान रखना आप, ये लास्ट इसमें स्टेप है। 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी कि UGC के द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो ये हमने आपके सामने भारत के दूरस्थ शिक्षा के इतिहास का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत किया था, इसका एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं। और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको ये आंसर आता हो तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखते हैं इसमें भारत में दूरस्थ शिक्षा का विकास 1956 से लेकर 60 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया गया था शुरुआत इसकी, और 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी, 1970 में पत्राचार पाठ्यक्रम का विकास एवं प्रसार किया गया था,
1980 में सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली लागू की थी। 1982 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1987 में कई राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए थे और 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। 1991 में इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद यानी DEC की स्थापना की गई थी। 1994 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण तथ्य जो दूरस्थ शिक्षा के संबंध में, इतिहास के संबंध में हमने आपका डिस्कशन किया था। और ये हमारे चैनल आपको कैसा लगा हमें आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए आप लोग, और हमारे चैनल लाइक करिए और देखते रहिए आप लोग द हिमालयन स्टडी YouTube चैनल। धन्यवाद।